अरिहंत की रसोई 100% वेज से मैं अनुराधा। प्लीज मेरे चैनल अरिहंत की रसोई को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, रक्षाबंधन आ गया है, भादों की तीज, करवा चौथ, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, ढेर सारे त्यौहार लाइन से लगे हैं। ऐसे मौक़ों पर हर घर में लगभग दही बड़ा तो ज़रूरी बनाया जाता है हमारे इंडिया में। तो आइए आज हम और आप मिलकर अरिहंत की रसोई में बनाते हैं दही की गुजिया या दही बड़ा। दही बड़े बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम उड़द की दाल ली है। ये छिलके वाली दाल है, पर इसे जब रात भर भिगोया जाता है और सुबह धोने के समय इसके काफ़ी हद तक छिलके, काफ़ी हद तक क्या, लगभग पूरे ही छिलके, 99% छिलके निकल जाते हैं। आप चाहे तो धुली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम उड़द की दाल भिगोई है। आप जो है मुझे कम दही बड़े बनाने हैं या दही की गुजिया जो कहिए। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आपके घर में 5 से 6 लोग हैं, तो आप इसकी मात्रा 250 ग्राम तक कर सकते हैं। अगर सभी लोगों को दही बड़े पसंद हैं तो, अगर सभी लोगों को दही बड़े नहीं पसंद है, वो कम खाना पसंद करते हैं, तो ये 100 ग्राम दाल में लगभग 8-10 दही बड़े बन जाएंगे या दही की गुजिया। इसे हम एक मिक्सी में पीस लेंगे। इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है हमें। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हमें गीला बैटर नहीं चाहिए। गीले बैटर से दही बड़े हमारे ख़राब हो सकते हैं, अच्छी तरह नहीं बन पाएंगे। मैं इसमें बिना कुछ डाले इसे पीस लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और ये कितना अच्छा पीस रहा है। इसी तरह मैं इसे पीस करके एक फाइन बैटर बना लूंगी। फाइन बैटर बनाने के बाद मैं इसे एक थाली में निकाल लूंगी और लगभग 5 मिनट तक हाथों से इसे अच्छी तरह से फेटूंगी, जिससे हमारे दही बड़े बहुत स्पंजी और अच्छे बने। देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको पेस्ट को हाथों से अच्छी तरीके से फेटा, बिना पानी डाले हुए पीसा था, जैसा मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है। इसका मतलब कि हमारा ये जो पेस्ट है ये पूरी तरह से दही बड़े बनने के लिए तैयार है। और हमारे दही बड़े भी जैसा इससे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छे स्पंजी, फ्लफी, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। इसको फेटते समय मैंने इसमें एक चुटकी हींग भी डाली। इसका आप ध्यान रखिएगा, उड़द की दाल हैवी मानी जाती है, गरिष्ठ भोजन में आती है और हींग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। ये एक भारी तली की कढ़ाई में ये वेजिटेबल ऑयल मैंने चढ़ाया हुआ है गरम करने के लिए। इसी में हम अपने दही बड़े फ्राई करने वाले हैं। ये हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए, फिर हम गैस को स्लो कर देंगे। एकदम फुल पे नहीं सेकेंगे दही बड़ों को, क्योंकि हमें ये दही बड़े अंदर तक अच्छे से पकाने हैं। बहुत तेज गरम तेल जब रहेगा, बहुत गैस की फ्लेम फुल पर रहेगी, तो हमारे दही बड़े ऊपर से जल जाएंगे, अंदर तक पूरी तरह से पक नहीं पाएंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हाथों की मदद से ये गोल गोल और स्लो करके गैस की फ्लेम हम अपने दही बड़ों को अच्छी तरह से सिकने देंगे। इन्हें उलट पुलट कर दोनों तरफ से सेकना है हमें। ये देखिए मैंने एक भगोने में, ये नॉर्मल पानी है, ये नॉर्मल पानी लिया हुआ है, ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इस नॉर्मल पानी में मैंने 1 चम्मच दही घोल दिया है और 1/2 छोटा चम्मच नमक। इसी पानी के घोल में मैं अपने दही बड़ों को डालूंगी तुरंत निकालते साथ ही कढ़ाई से। नमक इसलिए डाला हुआ है, नमक और दही, कि इसका टेस्ट दही बड़ों में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए।
ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, ये देखिए इसी तरह से पलट करके भी हम दोनों साइड से अच्छी तरीके से इन बड़ों को सेक लेंगे। देखिए आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितने फूल रहे हैं, एकदम स्पंजी सॉफ्ट। ये सिकना शुरू हो गए हैं, कलर बदलने लगा है, लेकिन अभी ये अंदर तक पके नहीं हैं, इसलिए अभी हम इन्हें कुछ समय और सेकेंगे। देखिए ये हमारे जब तक ये बड़े सिक रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ी सी दाल बचा ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि लगे हाथों मैं आपको दही बड़े के साथ दही की गुजिया जो बनाई जाती हैं वो भी बता दूं। दही की गुजिया और दही बड़े दोनों को सर्व करने का एक ही मेथड मैं अपनाती हूँ, बनाने में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है जो अभी मैं आपको तुरंत बताती हूँ कि दही की गुजिया कैसे बनाई जाती है। ये देखिए हमारे बड़े सिक गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब मैं गैस से निकाल के सीधे इन्हें इस पानी में डाल दूंगी और आइए अब मैं आपको इस बैटर को हटा देती हूँ, इस पेस्ट को, ये मैं बाद में बना लूंगी। मैं आपको दही की गुजिया बनाना बता देती हूँ। ये देखिए एक बर्तन में मैंने पानी लिया हुआ है, एक साफ कपड़ा लीजिएगा कॉटन का, इस कपड़े को इस तरीके से पानी से भिगो लीजिएगा जितने हिस्से में बनाना है। अब हम ये बैटर अपना लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इस पे इस तरह से गीले हाथों की मदद से ये फैला लेंगे गोल शेप में। ये मैंने कुछ नट्स लिए हुए हैं, मिक्स्ड नट्स हैं ये कटे हुए, इसमें मैंने किशमिश काजू बादाम और चिरौंजी का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी और नट्स यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के। ये मैं देखिए ये बीच में इसमें इस तरीके से भर दूंगी और ऐसे करके ये इसे ये देखिए गुजिया की शेप आ गई है, इसीलिए इसे दही की गुजिया भी बोला जाता है। ये इस तरीके से आप निकालिएगा, देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगी और धीरे से हम इसे तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी गुजिया भी बना लेंगे, गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे। ये देखिए पानी लगा के मैंने इसको फैलाया गोल, इसमें ये मेवे कपड़े के साथ ऐसे मोड़ दिया, ये देखिए निकल आया बहुत आसानी से, ये देखिए। इसे भी हम अच्छी तरह से सिकने देंगे। दोनों तरफ से उलट पलट के इन्हें भी सेकना है अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमारे बड़े इस दही के पानी में भीग रहे हैं, इन्हें मैं लगभग 20 मिनट तक भीगने दूंगी, सोख होगा इसमें। और ये गुजिया भी जो दही के, देखिए कितनी अच्छी फूल रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये भी सिक जाएगी अच्छी तरीके से। तो मैं इसी पानी में इसे भी डाल दूंगी। बहुत तेज फ्लेम मत रखिएगा गैस की सेकते समय, स्लो पर ही रखिएगा सिंपल।
देखिए ये लगभग सीख चुकी है। हिंदुस्तान में हर घर में हर त्यौहार पर दही बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, इसीलिए अरिहंत की रसोई ने भी इस बार सोचा कि आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आपके सामने ये रेसिपी लाई जाए। घर में ही बहुत आसान तरीके से दही बड़े बनाए जाएं, जैसा कि अरिहंत की रसोई का मकसद है आप तक हर वेज रेसिपी धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीके से पहुँचाना। मुझे उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपकी कुकिंग में बहुत मददगार साबित हो रहे होंगे। अपनी रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए प्लीज़ वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखा करिए। ये देखिए ये हमारी दही की गुजिया भी ये सीख गई हैं, इसी पानी में मैं इसे डाल दूँगी और अब लगभग 20 मिनट तक मैं इन्हें इसी पानी में भीगने दूँगी, सोख होने दूँगी। ये देखिए ये हमारे दही बड़े कितने अच्छे भीग गए हैं और ये दही की गुजिया भी बहुत अच्छी भीग गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों को सर्व करने का एक ही मेथड है, इसीलिए मैं आपको एक ही चीज़ को सर्व करके दिखा रही हूँ, दूसरा बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। ये से अच्छे से ये देखिए ये दबा लिया, ये दबा के इसका पानी ये निचोड़ दिया, ये इसी तरह से हम दूसरा भी ये इसी तरह से दबा करके इसका पानी निचोड़ देंगे, इसमें रख देंगे। ये देखिए ये भी इसी में निचोड़ के ये हमने रख दिया। अब हम इसके ऊपर ही डालेंगे दही, ताज़ा फेटा हुआ दही है ये, फ्रेश दही। इसमें मैंने एक चम्मच चीनी मिलाई हुई है हल्की सी मिठास के। अब हम इसके ऊपर ये देखिए ये चटनी डालते हैं, ये इमली की सौंठ की चटनी है मीठी। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ व्रत स्पेशल शाही चाट की रेसिपी में, आप ये चटनी बनाना वहाँ से सीख सकते हैं। ये चटनी एक महीने के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। अब इसके ऊपर ये लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये भुना जीरा पाउडर, ये काला नमक, ये सफ़ेद नमक, ये जो मेरे पास बचे हुए नट्स थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, जो अभी मैंने गुजिया बनाने में आपको दिखाया दही की गुजिया में ये बचे हुए नट्स, ये ढेर सारा हरा धनिया। ये देखिए हमारे ये दही बड़े या दही की गुजिया पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी अगली रेसिपी या कुछ किचन टिप्स के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हेल्थ इज़ हैप्पीनेस। नमस्कार।